अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बिल्कुल आज हम आपको फाइलम हेमीकॉर्डेट्स पढ़ाएंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाया था, जो कि इसके बाद आने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए कि आज आपको यह समझ आया, क्योंकि आपने फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा होगा। ठीक है, सो आइए फाइलम हेमीकॉर्डेट की तरफ। आप यहाँ पर लफ्ज देखिए हेमी, हीमी मतलब हाफ, आप कह सकते हैं हाफ। कॉर्डेट्स यानी ये कॉर्डेट्स से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हीमी कॉर्डेटा। दूसरे अल्फाज में ये कमाल का फाइलम है, वो इसलिए इसको बॉर्डर लाइन पर रखा गया। देखिए आपने जितने भी फाइलम्स पढ़े, 10-11 फाइलम्स हमने पढ़े थे, उनमें से एक से लेकर 9 तक या 8 तक जो फाइलम्स हमने पढ़े थे, एक से लेकर यहाँ से लेकर, वो सारे के सारे फाइलम्स जो थे 8 तक लगभग, वो सब के सब हमारे पास थे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, उनके अंदर वर्टिब्रा नहीं था, इनवर्टिब्रेट्स, राइट। और इसके बाद जो एडवांस फाइलम हमारे पास आ रहा था वो तो कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स तो ये सबसे एडवांस फाइलम था कॉर्डेट। इससे नीचे जितने भी फाइलम्स थे वो इनवर्टिब्रेट्स थे, उनमें कॉर्डेट वाली खसूसियात मौजूद नहीं थी। अब इन दोनों के बीच एक ऐसा फाइलम आने वाला है, एक ऐसा फाइलम यहाँ पर बीच में पड़ा हुआ है, जिनकी कुछ खसूसियात इनवर्टिब्रेट में, ख़ासकर इनवर्टिब्रेट में, जो टॉप पर इनवर्टिब्रेट में तो बहुत सारे फाइलम हैं, ये जो टॉप पर जो फाइलम है उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो फाइलम बीच में है ये बहुत ज़्यादा मैच करता है इकाइनोडर्मेटा से, इन टर्म्स ऑफ देयर सॉफ्ट बॉडी, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ ये ऊपर जो कॉर्डेट है ये उनके साथ भी ये मिलता जुलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये फाइलम कॉर्डेट के साथ भी मिलता है और इकाइनोडर्म के साथ भी मिलता है, और इसका नाम हेमीकॉर्डेट क्यों रखा गया ये आपको समझ आ गया। पहला दो लाइनें आपने लिखना है कि इट इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द इकाइनोडर्म एंड बिलो द कॉर्डेट, ये फाइलम आपका है हेमीकॉर्डेटा। आइए आपको बताते हैं कि कॉर्डेट से किस तरह मैच करता है। नंबर वन, तो फाइलम हेमीकॉर्डेटा जो ये टोंग, इसको टोंग वॉर्म्स भी कहा जाता है, एक पॉइंट है, ठीक है। इनका जो जिस्म है वो वॉर्म लाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं इस जस्ट लाइक अ वॉर्म, किधर हेड है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, एक स्टाक है, इसके बाद आपको कॉलर नजर आएगा, कॉलर के बाद ये उसका ट्रंक है, पूरा इसका ट्रंक है, और यहाँ पर आपको एनस नजर आएगा, ठीक है, वायद इसको एनस नजर आएगा, यहां पर आपको गिल स्लिट्स नजर आएंगे। अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो जो मैंने आपको बताया था फाइलम कॉर्डेट में, कॉर्डेट में स्लिट्स का नाम मैंने बताया था, फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल स्लिट्स, ये स्लिट्स यहां पर मौजूद है। आप मुझे बताओ कि ये स्लिट्स किस चीज की निशानी में से, कॉर्डेट की निशानी में से है। जी हाँ, ये वाली जो खसूसियत हमें नजर आ रही है ये कॉर्डेट वाली खसूसियत है जो इनके अंदर भी मौजूद है, सही है। ये द क्लोजली रिजेंबल विद बोथ इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा, ये पॉइंट मैं अक्सर डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कॉर्डेट और इकाइनोडर्म के साथ रिजेंबल करता है। एंड ये ड्यूटीरोस्टोम्स है, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स पर, बाकायदा एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप जिसे देख सकते हैं, प्रोटोस्टोम ड्यूटीरोस्टोम बैक्टीरिया आदि। तो शुरू के जो फाइलम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो फाइलम्स हैं इकाइनोडर्मेटा के, जो फाइलम्स हैं इकाइनोडर्मेटा से पहले वो हमारे पास क्या थे, वो प्रोटोस्टोम्स थे, प्रोटोस्टोम्स थे। अब ये जो इकाइनोडर्म है और बीच में जो हेमीकॉर्डेट है और कॉर्डेट, ये तीन के तीन ड्यूटीरोस्टोम्स हैं, ये तीन के तीन के ड्यूटीरोस्टोम्स हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉर्डेट की तरह हो गया, क्योंकि कॉर्डेट
ड्यूटीरोस्टोम्स हैं और ये भी ड्यूटीरोस्टोम्स हैं। लिहाजा ये दूसरा पॉइंट आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये क्यों कॉर्डेट के साथ मिलता जुलता है, तो पहला पॉइंट मैं बता दें इसके अंदर गिल स्लिट्स है, दूसरा ये ड्यूटीरोस्टोम्स हैं। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्यूटीरोस्टोम्स, गिल स्लिट्स इनके अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ इसके अंदर नर्व कॉर्ड जो बाज़ औकात होलो भी हो सकता है। ये जो होलो नर्व कॉर्ड है ये बिल्कुल हमने कॉर्डेट के साथ पढ़ा था और ये इसके अंदर भी मौजूद है। सो दिस इज अनदर स्टार पॉइंट। लेकिन जो इश्यू आ रहा है वो ये है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं है, नोटोकॉर्ड इसमें मौजूद नहीं है जो कि कॉर्डेट्स में था, राइट। और दूसरी बात ये कि इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट है, इनकी बॉडी जो है सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है, ये उसकी बात में नहीं आ सकती, ये कॉर्डेट वाली खासियत हो ही नहीं सकती। सॉफ्ट बॉडी है, अनसेगमेंटेड है, जो कॉर्डेट्स होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं मोस्टली, ठीक है। एंड कलरलेस ब्लड, इनका ब्लड कलरलेस होता है, इनका हार्ट डोर्सल होता है, इनका हार्ट डोर्सल होता है, इनका हार्ट डोर्सल, हार्ट इज डोर्सल। और इसका नर्वस सिस्टम भी जो है वो एपिडर्मल नर्वस सिस्टम होता है, एपिडर्मल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये डोर्सल हार्ट, एपिडर्मल नर्वस सिस्टम, ये बातें जो है ये कॉर्डेट के साथ मैच नहीं करती हैं। लिहाजा हमने कह दिया कि अब ये जो आपका फाइलम है ये कॉर्डेट के साथ भी मिलता जुलता है और इकानोडर्म के साथ भी मिलता जुलता है। कर्लस हार्ट, डोर्सल हार्ट हो गया। इसका एक एक अच्छा एग्जांपल हम आपको बताएंगे, भाई इसमें कोई जानदार है, जी हाँ, तो बालानो ग्लोसस एंड साका ग्लोसस, ये दो एग्जांपल हैं, साका ग्लोसस एंड बालानो ग्लोसस, ये आप देख सकते हैं। आप अभी भी इसी यूट्यूब पर, गूगल पे बालानो ग्लोसस अभी भी टाइप करें तो इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जानदार वॉर्म लाइक है, राइट। सो इसके साथ ही ये बहुत ही मुख्तसर सा फाइलम था, फाइलम इकाइनो हेमिकॉर्डेटा, इसको मैंने बता दिया। इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों कहा जा रहा है वो भी मैंने बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि ये कॉर्डेट के साथ किस तरह मिलते जुलते थे, कौन कौन सी खासियतें इन हेमिकॉर्डेट्स वाली हैं वो भी मैंने आपको बता दिया स्टार पॉइंट लगाकर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद जो फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो अभी भी देख सकते हैं फाइलम कॉर्डेट्स। इसके बाद हम क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कॉर्डेट के अंदर जो क्लासेस है अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।